तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की एक नई अपडेट के बारे में। दोस्तों अगर आप सैमसंग A52s के यूज़र हैं तो आपको पता होगा, सैमसंग A52s में आपको पता होगा कि बात चल रही है, मैंने कुछ वीडियो बना के बताया भी है कि OneUI 6.0 की आने की बात चल रही है कि सैमसंग A52s में बहुत जल्द आने वाला है। ये बहुत ज़्यादा चल भी रहा था और हर कोई यही कह रहा था कि जल्दी आने वाला है। फिलहाल अभी इसके अंदर एक नया अपडेट आया है सैमसंग A52s के अंदर। क्या ये अपडेट है, क्या उसमें मिला है, सब आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दो और साथ में मुझे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लेना ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ नए अपडेट के बारे में, क्या इस नया अपडेट आया और क्या इसमें नए चेंजेस किए गए। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन पे एंड देन जाना है डाउनलोड इंस्टॉल पे। जैसे ही वहां पर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे एक नया अपडेट आपको यहां पर अवेलेबल मिल रहा होगा। नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट का जो साइज है 267.07 MB का है, जिसको आज ही के दिन अलॉट किया गया। और इसके अंदर आपको सिक्योरिटी पेज मिलती है 1 नवंबर 2023 की, मतलब नवंबर की आपको सिक्योरिटी इसमें मिलने वाली है। अब बात करें यार इसमें क्या नया चेंजेस किया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि साइज के हिसाब से ही पता चल रहा है कि इसमें एंड्रॉयड अपडेट तो आया नहीं है, या फिर बोल सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन या OneUI 5 से 6 पे जाने का कोई इसमें इस साइज के अनुसार नहीं जाएगा। यहाँ पर सिर्फ स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है और कुछ इन्हांस फीचर एड ऑन किए गए, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा है, और कुछ बग्स भी फिक्स आउट किए गए होंगे। तो पहले तो कर लेते हैं इसको डाउनलोड, फिर देखते हैं कि क्या क्या नया चेंजेस लगता है और क्या इसमें चेंजेस होने वाले हैं। तो मैं इसको फटाफट कर लेता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, मेरे मोबाइल की मेमोरी आपको दिख रही होगी 114.7 GB भरी हुई है, 114.7 GB भरी हुई है। और यहाँ अगर आप मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो मेरे मोबाइल की मेमोरी लगभग, मेमोरी इसलिए बता रहा हूँ कि पता चलेगा एक्चुअल अपडेट होने के बाद क्या उसमें डिफरेंट आया, कुछ मेमोरी का साइज़ बढ़ा या नहीं बढ़ा। तो आप देखेंगे 114 GB मेरे पास भरा हुआ है और 14 GB की मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, लगभग 89% मेरा डिवाइस की स्टोरेज फुल है। और बात करें अपडेट करने के, हर बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब भी अपने मोबाइल को अपडेट करें, अपडेट करते टाइम आपका मोबाइल 50% के अबव चार्ज होना चाहिए और या तो मोबाइल आपका चार्जर पे लगा होना चाहिए। आपको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉलिंग पे चला जाएगा, लगभग आधा घंटा लेगा इसको होने देते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट, आप देख सकते हैं मोबाइल पूरी तरह से यहाँ पर हो गया है अपडेट। अपडेट करने के बाद मैंने कर दिया यहाँ पर उसको ओके करने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पर ले जाने के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर अबाउट वाले फ़ोन में जाना है आपको, अबाउट फ़ोन में चले जाना है एंड देन यहाँ पर चले जाना है आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। जैसे आप सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा ऊपर OneUI 5.1 ही है, नीचे आपको एंड्रॉइड 13 मिल रहा है। और नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको 1 नवंबर 2023 की सिक्योरिटी पेज अपडेट मिल रहा है, जैसा कि उन्होंने वहां पर कहा था। तो यहां पर आपको वो चीज़ यहां पर मिल रही है। और अगर आप बैक आए, बैक आने के बाद मैं सॉफ्टवेयर अपडेट में आ गया एंड देन लास्ट अपडेट वाले ऑप्शन पर आ गया हूं। अब लास्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने कहा था कि इस अपडेट में कुछ बक्सेस फिक्स आउट किए गए हैं, कुछ इन्हांस फीचर एड ऑन किए गए हैं, सिक्योरिटी अप्रूव की गई है, यही कुछ यहाँ पर किया गया है। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस की और इसमें क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं इस अपडेट होने के बाद, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था अपडेट होने से पहले मेरे मोबाइल में 114 GB मेरे पास स्पेस फुल भरा हुआ था और 89% यहाँ पर फुल था, लगभग 14 GB का मेरे पास स्पेस अवेलेबल था। बट अपडेट होने के बाद मैं देख रहा हूँ तो मेरे पास 114.2 GB का स्पेस यहाँ पर बढ़ गया, मतलब कि 200 MB का यहाँ पर कुछ बढ़ गया। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो आप स्टोरेज में देखेंगे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर 89% ही बता रहा है। तो लगभग यहाँ पर कुछ चेंजेस, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस किया गया होता हो, बाकी ऐसा कुछ मेजर साइज़ में कुछ डिफरेंट नहीं आया है। अब बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेके कि परफॉर्मेंस में कैसा इंप्रूवमेंट लगता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको ऐसे ही रोटेट करके देख लेते हैं, मेरे पास इतनी सारी ऐप्स तो वैसी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, सब ईजीली यहाँ पर हो रहा है। अगर किसी ऐप को ओपन करके देखा जाए तो आप देख सकते हैं ओपन भी यहाँ पर ईजीली हो रहा है, और अगर इसको क्लोज भी कर दें तो बहुत ईजीली यहाँ पर क्लोज हो रहा है। परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इशू नहीं है, सब ईजीली यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक हो रहा है। अगर मैं बैक भी कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर होम स्क्रीन पे भी क्लिक कर दे रहा हूँ, तो भी यहाँ पर सब इजी हो रहा है।
तो परफॉर्मेंस में ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं दे रही है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। और अगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस में यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है, परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी अच्छी चल रही है। उसके बाद भी आप देखेंगे मैंने इतनी सारी ऐप्स खोल के रखी हैं, उसके बाद भी परफॉर्मेंस में ऐसा कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट बेस्ट चल रहा है। एनिमेशन भी देखेंगे जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, अगर मान लो कोई मैं दूसरी ऐप खोलूँ तो एनिमेशन भी अच्छा ही चल रहा है, क्लोज़ भी कर रहा हूँ तो भी यहाँ पर अच्छे से ही वर्क कर रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कुछ लैगिंग आ रही हो या कुछ आ रही हो, अगर आप सेटिंग्स में भी जाके देखेंगे तो कहीं भी कुछ ऐसा कुछ लैगिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब इजीली यहाँ पर वर्किंग चल रही है। आप देख सकते हैं सब यहाँ पर इजीली चल रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो यहाँ पर अच्छी लग रही है फिलहाल। अब बैटरी का देखना पड़ेगा कि बैटरी कैसे चल रही है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बैटरी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा खा रही है, हो सकता है अभी अपडेट हुआ है तो इस चक्कर में हो रहा है, नहीं तो मेरे देखते ही देखते अभी आपको बताते ही बताते 2% यहाँ पर बैटरी गिर गई है, ऐसा कभी नहीं हुआ, इतनी जल्दी बैटरी नहीं गिरती, हो सकता है इस अपडेट के बाद कुछ ऐसा हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको पता चली जाएगा कि उसमें क्या बैटरी से रिलेटेड कुछ इशू है या नहीं है, सब मैं आपको ओवरऑल बता ही दूंगा। और अगर बात करें यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखेंगे फ़ोटोज़ में भी अगर मैंने खोल लिया है तो सब यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है, और मैं रुकता हूँ तो सारी फ़ोटोज़ यहाँ पर ओपन हो रही है, ऐसा नहीं कि सब धीरे धीरे ओपन हो रही है, जैसे ही स्क्रीन रुकेगी सारी फ़ोटोज़ वहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो परफॉर्मेंस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी चल रही है, ओवरऑल अपडेट करना चाहिए, बाकी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, कल का या 2 दिन का वेट कर लीजिए, बैटरी की परफॉर्मेंस मैं आपको फाइनल बता दूंगा कि बैटरी इस अपडेट के बाद क्या चल रहा है, एक्चुअल में बैटरी परफॉर्मेंस कैसी है वो मैं आपको बता ही दूंगा, उसके अलावा भी कुछ मुझे बग्स लगेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बात करें कैमरे की तो हम कैमरे को ओपन कर लेते हैं, कैमरे को ओपन करने के बाद यहाँ पर हम फोटो लेते हैं, लाइक सबसे पहले मैं फ्रंट फोटो ही लूँ, तो फोटो में लेने में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, फोटो भी बड़ी शानदार तरीके से क्लिक हुई है और फोटो की परफॉर्मेंस भी डिटेलिंग भी अच्छी आ रही है, मतलब कि अगर फोटो क्लिक करने में जो टाइम रहता है ना ऐसा कुछ नहीं आ रहा, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ फट से यहाँ पर फोटो क्लिक हो रही है, और अगर मैं कोई रैंडम भी फोटो क्लिक करूँगा तो वो भी यहाँ पर फटाफट हो रही है, आप देख सकते हैं क्विकली आ रही है, ऐसा कुछ डिले हो नहीं रहा है, डिले कोई दिक्कत नहीं है और फोटो अच्छी यहाँ पर क्लिक हो रही है, तो ओवरऑल सारी परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर सही लगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी पूरी कंफर्म आपको पता चल जाएगा एक्चुअल इस अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए हैं, और जैसे ही UI 6.0 आएगा सबसे पहले आपको वीडियो मिली जाएगी। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर DM करके पूछ सकते हैं, और सबसे जरूरी चीज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो थैंक यू।